हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब एक इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रही है तो हम ये कहते हैं उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन को भी देखा जाता है, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही हो और प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर, जब दोनों इंक्रीज होते हैं तो हम कहते हैं उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को क्वांटिटेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। और इसलिए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, इनकम के इंक्रीज होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस किस से मेजर कर सकते हैं? बाय इंक्रीज इन जीडीपी। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, एनएनपी इंक्रीज होगा हो रहा है, पर कैपिटा इनकम लगातार इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों तरह से मेजर करेंगे। क्वांटिटेटिवली इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन जब इंक्रीज होती है तो वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट होता है, और क्वालिटेटिव क्योंकि सोशल वेलफेयर को देखा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और सोशल वेलफेयर को हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको क्वालिटेटिवली ही मेजर कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स को यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है, और ये नैरो कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्लूड किया जाता है, सोशल वेलफेयर को भी इंक्लूड किया जाता है, ओवरऑल देखा जाता है, उसके बाद हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक यूनिडाइमेंशनल कंसेप्ट है। यूनिडाइमेंशनल कंसेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज को देखा जाता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है उसी को फोकस किया जाएगा, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसलिए इसको यूनिडाइमेंशनल कंसेप्ट कहा जाता है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर दोनों को देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, तो इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो भी हमारे चेंजेस होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे होती चलेगी, हम क्योंकि उसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके जो रिजल्ट्स होंगे उनको डायरेक्टली हम मेजर और ऑब्जर्व कर सकते हैं। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारे इम्प्रूवमेंट होंगी, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हो रही है या सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डायरेक्टली कभी भी मेजर नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। अब आ जाता है हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज जस्ट अ मींस एंड नॉट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक सिर्फ मींस है, एक सोर्स है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, एक इकोनॉमी का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा उसको अचीव करने के लिए सिर्फ एक मींस है। उसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल देखी जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखा जा रहा है, सोशल वेलफेयर को भी देखा जाता है, और बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। तो ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेवंथ पॉइंट, इट इग्नोर्स, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते रहे हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, बट उस इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कई बार, मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज हो रही है, उसके बावजूद भी कुछ एक लोग गरीब के गरीब ही है, और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल है। मगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हर चीज को देखा जाता है, और यहाँ पे इक्वालिटी को ज्यादा फोकस किया जाता है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। एट्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स सस्टेन ग्रोथ इन नेशनल इनकम एंड आउटपुट। मतलब
इकोनॉमिक ग्रोथ हम तभी कहेंगे अगर वो नेशनल इनकम और आउटपुट जो इंक्रीज हो रही है वो लगातार इंक्रीज होती रहे। यहाँ पे 8th पॉइंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, इसमें हर चीज को देखा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब आउटपुट में चेंज होना चाहिए, आउटपुट इंक्रीज होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए, टेक्निकल चेंज होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल चेंज होना चाहिए। हर चीज में जब चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उस जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उस इकोनॉमी की। 9th पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में टेक प्लेस इन अ फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, सिर्फ मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर ना भी करे तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी हो सकती है। बट जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सोशल वेलफेयर को भी इंक्लूड किया जाता है और सोशल वेलफेयर जो है गवर्नमेंट मेन उसमें जो है रोल प्ले करती है उसको अचीव करने में। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नेसेसरी फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट।